तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजर डायरेक्शंस हमने दी, चाहे तो वो एनफोर्समेंट एजेंसीज को हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हो, या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जितने मुद्दे उठाए उनके बारे में, तो सबसे पहले ड्रग्स का जो मिसयूज स्टेट में बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। हम ये सोचते हैं चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब हमारी एमसीसी लगेगी, हमने सख्त ताकीद दी है कि अब उसको बहुत सख्त कार्यवाही की जाए उन लोगों के ऊपर। कल भी हमने सारा दिन अपने डीएम्स एसपीस को ये ताकीद की थी, क्योंकि पूरी की पूरी बच्चों को, जनरेशन को ख़राब होने नहीं दिया जा सकता बाई दी मैनेज ऑफ ड्रग्स। और हमें ये उम्मीद है कि उस पर पूरी कंट्री में, आपको पता है कि हमने इलेक्शंस के दौरान करीब करीब पार्लियामेंट में 10,000 करोड़ का सीजन किया था। मैंने बताया था, जब आप लोगों ने अगर सुना हो 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब काउंटिंग से एक दिन पहले की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ पूरे वर्ल्ड में वोटर्स का, फीमेल वोटर्स का, रीपोल्स ना होने का, अहिंसा ना होने का, जिसमें कश्मीर भी अपने आप में एक उदाहरण था। सो ड्रग्स के बारे में वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सीरियस। और मुझे एक सूचना मिली है अभी आते आते कि इस पर एक्शन शुरू भी हो गया है, आपको पता लगेगा जल्दी ही, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्शन आज ही शुरू हो गया है। मैं अभी जो कंसर्न लोग हैं वो आपको बताएंगे। सिमिलरली लीकर के बारे में, चाहे वो विद इन द स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, दे वुड बी स्ट्रिक्ट विजिल by the enforcement agencies, including the borders of the nearby state. CCTV cameras हमने already जो political parties ने demand की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% CCTV coverage उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहाँ shadow areas हैं वो बात छोड़ दें, otherwise all polling stations would have CCTV coverage. That is what commission has decided based on the request of the political parties. सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें, नहीं, ये दिस इज नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शंस स्पष्ट दी गई हैं। दिस पॉइंट ऑल्सो of the political parties have been accepted by us. सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे, पहले भी थे, अब बिल्कुल जहाँ नहीं थे, जो हमसे कहा गया था उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें, और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। कोई एक दो बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते, तो उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया आप रैली मत करिए, या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, नहीं। एक जो उम्मीद है लोगों को अपनी सरकार बढ़ाने की, अपना लोकतंत्र में भागीदारी करने की, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज़्यादा करने की, हमारा रोल है और हमारे प्रशासन का रोल है, जितने भी जब लोग लगेंगे इलेक्शन में, कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए।